नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एमएलसी ने किया आधा दर्जन ग्रामों के स्कूलों का औचक निरीक्षण। झांसी ललितपुर जालौन की एमएलसी श्रीमती रमा आरपी निरंजन ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए आधा दर्जन से अधिक ग्रामों के स्कूलों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें विजना, विजयगढ़, सिजारा, हाटी, नोटा, खजराहा, दरवाऊ आदि ग्रामों में निरीक्षण के दौरान बच्चों में शिक्षा का स्तर संतोषजनक न मिलने पर एमएलसी श्रीमती रमा आरपी निरंजन, टीचर्स अपने दायित्वों का सही तरीका से निर्वहन करें, बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्राम हाटी में एमएलसी ने बच्चों से टीचर्स के बारे में, शिक्षा के बारे में, मध्यान्ह भोजन के बारे में जानकारी ली और स्कूल का वातावरण देख प्रशंसा जाहिर की। झांसी ललितपुर जालौन की एमएलसी महोदया है, ये बताइए आज कितने ग्रामों का भ्रमण किया, क्या उद्देश्य था भ्रमण का? आज हमारा उद्देश्य था कि शिक्षा विभाग से संबंधित जो प्राइमरी स्कूल हैं, बेसिक शिक्षा हैं, उनकी जानकारी के इन शिक्षा विभाग में शिक्षा किस प्रकार की दी जा रही है, बच्चे कहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो आज हमने बासार, खजराहा, हाटी, नोटा, विजयगढ़, दरवटियाऊ, बिजौरा, सिजारा इन ग्रामों में, खासकर प्राइमरी स्कूलों में मैंने दौरा किया और बच्चों से जानकारी ली। तो बहुत से बच्चे तो अनुपस्थित थे क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ बच्चों को स्कूल दूर पड़ रहा है, नया आवास बनाया गया है तो अभी ग्राम तो वहाँ पर बना, आवासीय क्षेत्र तो बना नहीं है, कम लोग हैं वहाँ, तो वहाँ पर कम बच्चे उपस्थित हुए हैं और कई बच्चे अच्छे पाए गए हैं, जो मैंने उनसे मैथ में जानकारी ली, उन्होंने फटाफट से आंसर लिख के दिया ब्लैक बोर्ड पर। कई टीचरों का भी मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जो मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ उसका, मैं जब वो चैप्टर 4 दिन 6 दिन में तैयार हो जाता है तो मैं उसका टेस्ट लेती हूँ। तो अच्छा लगा कि भाई इससे बच्चे जागृत होंगे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। क्या कमियाँ पाएंगे स्कूलों में? ऐसे कुछ बच्चों को जानकारियाँ नहीं थी, जब मैंने उनसे मुख्यमंत्री का नाम पूछा बच्चे नहीं बता पाए, प्रधानमंत्री का नाम नहीं बता पाए। इसके बाद जब मैं आगे स्कूलों में मैंने दौरा किया तो देखा कि बच्चों की कॉपी में जो मैंने पूछा था वो फ़ोन के माध्यम से उन्होंने जानकारी ली कि क्या क्या पूछा जा रहा है, तो बच्चे लिख के पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा क्यों बेटा जी, अभी जानकारी आपको अभी लिखाया सर ने, तो कई जगह एक दूसरे के माध्यम से जानकारी ले करके बच्चों को जानकारी दी जा रही थी। सरकार द्वारा शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है लेकिन आज कई स्कूलों में ड्रेसें नहीं हैं, किताबें नहीं हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? इसकी भी मैंने जानकारी ली कि एक स्कूल था कि उसमें पूरे बच्चे ड्रेस थे हाटी में, अच्छा लगा कि हाँ भाई बच्चे जागृत हैं, शिक्षा भी अच्छी है, ड्रेस में भी हैं। कई बच्चों, टीचरों ने जानकारी दी कि पैसा बच्चों के गार्जियन के खाते में आ रहा है, कई बच्चे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पैसा ही नहीं पहुँचा है, कई कह रहे हैं कि पैसा पहुँच गया है लेकिन ड्रेस हमारे पापा ने पैसे निकाल लिए हैं, ड्रेस नहीं दिलवा रहे हैं। तो ये मुझे कमी लगी कि पैसा डायरेक्ट भी देने पे गार्जियन बच्चों को ड्रेस नहीं दिलवा रहे हैं, जबकि सरकार शिक्षा की को आगे बढ़ाने में कितनी मेहनत से, लगनशीलता से काम कर रही कि बच्चे जागरूक हों, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं भी इसी उद्देश्य से कि देखो जाकर के ग्रामों में कि क्या हाल है पढ़ाई के, लेकिन मैं भी काफ़ी संतोष हूँ लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। टीचरों की उपस्थिति का क्या स्थिति है? टीचर कई जगह तो ज़्यादा मात्रा में पाए गए, कई जगह जैसे प्राइमरी सेंटरों पे एक प्रिंसिपल एक ही टीचर उपलब्ध है, तो मैंने पूरी जानकारी ली है कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं, पूरा नोट करके मैं लाई हूँ
और सरकार से, सरकार को भी यही जानकारी दूंगी कि कहाँ कहाँ क्या कमियाँ हैं, जिससे आगे की कार्रवाई सरकार कर सके। यूपीएस न्यूज 24 से बात करने के लिए धन्यवाद। धनी राम नाथ। क्या स्तर है यहाँ पे शिक्षा का? शिक्षा साफ कैसी होती है? बढ़िया पढ़ाई लिखाई होती है। अच्छी हो रही? हाँ। कोई दिक्कत परेशानी नहीं बच्चों को? कोई नहीं, हमारी देख नातन पढ़ा, देख नाती पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ भोजन मिलता है टाइम पे? बिल्कुल मिलता है। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए यूपीएस न्यूज 24 लाइव।